दोस्तों क्या वजह बनी कि 1995 में यहूदियों ने खुद ही अपने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को मार डाला, और 1993 में होने वाले तारीखी ओस्लो अकॉर्ड्स क्या थे और उसमें क्या कुछ तय हुआ। आज के हम इस वीडियो में जो इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट टू है, इसमें हम ये सब कुछ देखेंगे और जानेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। आदाब आज़ाद जी, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आगे जी हम एक जो है ना इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की जो हम विगज में आ रहे हैं उसके पार्ट टू की तरफ। आज की वीडियो में हम जो है 1980 से जो बाद के हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, इसमें पार्ट वन में मैंने पिछले पूरे 1000 साल की हिस्ट्री, उसका पूरा बैकग्राउंड तैयार था, और जो पिछले किसना बना वो, फिर जंगे किसना हुई, वह सब कुछ तैयार था मैंने। तो अगर आपने वही देखी वो जाके देख लें। और मैंने एक भी नई थी वीडियो इससे पहले जब टेयर हुई थी पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान, तो उसमें नई थी मैंने वीडियो के उस पर मिला के मौके पर हम पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करता, तो वो वीडियो लाजमी देख लें आप। उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ, जो जिसमें मैं आपको 1980 के से आगे गहरा दूंगा, ठीक है जी। मैंने तय था आपको जी कि 1992 में इसराइल का एक अच्छे पैम से मिलती है उनको, जो इनके साथ साहब की बात करते हैं यिट्ज़ाक राबिक, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, यिट्ज़ाक राबिक। वो क्या कहते हैं जी, वो सबको समझाते हैं, अपने लोगों को, अपनी कौम को समझाते हैं कि देखें जो PLO वाले डिमांड कर रहे हैं, अपना मुल्क को भी सही डिमांड कर रहे हैं, उनको भी हमें उनका मुल्क देना चाहिए, और हमारे पास भी हमारा मुल्क को दोनों इनके साथ हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहली बार फिर इसराइल ने एक्सेप्ट किया PLO को, PLO ने एक्सेप्ट किया इसराइल को। अगर आपको नहीं पता PLO क्या, मैं पिछली वीडियो में जा चुका हूँ, देख सकते हैं, ठीक है जी। एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद 1990 में ओस्लो अकॉर्ड्स, यानी कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त फलस्तीन तो नहीं था, लेकिन जो फलस्तीन के जो उस वक्त PLO के जो हक थे, उनकी आपस में मुलाकात हुई ओस्लो अकॉर्ड्स से, कहती है मेकिंग हुई, उनका एग्रीमेंट तय हुआ कि हम एक दूसरे के मुल्क को, उन्हें फिर 1967 की जो थी बाउंड्रीज उसको वापस सुस्ना कर दी, रीशोर कर दी, सब कुछ जितना पहले उनके ममालिक थे वो वापस उस चले गए पोजिशन पर। ये सब कुछ तय हुआ कि 1967 में जो थे ना फलस्तीन में, पिछली वीडियो बताया था कि 1967 में जंग हुई थी, जब तब इसराइल ने सारे फलस्तीन में कब्जा कर लिया था, बल्कि इजिप्ट पर भी कब्जा कर लिया था। तो इजिप्ट को तो 1979 में जो पीस हुए थे काक्स वापस कर दिया था, जो उसका हिस्सा लिया था, लेकिन फलस्तीन ज़्यादा नहीं हुई। फलस्तीन को 1993 में जो ओस्लो अकॉर्ड हुए, उसमें जो गजा की स्ट्रिप थी और जो वेस्ट बैंक था, ये 1993 में जो ओस्लो अकॉर्ड हुए उनको अलग कर के इसराइल से उनको कह दिया गया, ये आपका मुल्क है। इसराइल ने तस्लीम किया कि पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन ने कहा जी ये इसराइल को तस्लीम करते हैं, PLO तो थी उसने तस्लीम कर लिया, यानी कि वो एक अल्लाह का फलस्तीन और इसराइल बन गया। अब किस तरह बना, वो UN पे नहीं बना, जो UN ने दी थी रेजोल्यूशन के इसके मुताबिक होगा, वो जो 1947 स्कीम है 1967 में बना, जो था ना 1967 में जो इलाके थे ना इसराइल के पास, वो वही इसराइल को मिले, और जो 1967 में थे ना फलस्तीन के पास, वही इसराइल को मिले और फलस्तीन को मिले। तो अब सवाल ये होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1967 से लेके जब तक इमरजेंसी हुआ 1980 तक, इसमें बहुत सारे यहूदियों को जो थे ना इसराइल ने वहाँ के बात किया था। क्यों? कुछ लोग तो खुद बात हुए थे, क्योंकि उनकी मजहबी अकीदत थी, और कुछ लोग थे वो तो थोड़े जो इकट्ठा होते हैं वो तो खुद बात हुए थे आके, ताकि वो समझते हैं कि हम उनको यहाँ से बाहर निकालें, ये सारा जो हम यहाँ कब्जा करें, बाहर निकालें यहाँ से। और कुछ हुकूमतों ने जो हुकूमत थी इसराइल की, उसने भी सहूलत दी थी, ज़मीन सस्ती की, जिसकी वजह से लोग वहाँ गए थे। अभी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे 6 से 7 लाख लोग वहाँ सेटलमेंट्स में आबाद हैं, जो कॉलोनीज नहीं है वहाँ पे। अब गजा की पट्टी में तो थे जो है ना, जो गजा की पट्टी है जो इजिप्ट की तरफ है, वहाँ पर तो कोई आबाद नहीं हुए थे, लेकिन जो वेस्ट बैंक था वहाँ पर काफ़ी लोग आबाद हो चुके थे। अब उसका हल क्या निकाला जाए, क्योंकि वो तो 15-20 साल लगभग इसराइल के पास आ रहा था, तो वहाँ वो लोग आबाद थे। अब अलग मुल्क तो मना दी नहीं किसी में ओस्लो अकॉर्ड्स के जरिए, और उनको तस्लीम भी कर लिया, लेकिन अब जो वो मसला के हल करें, जो वहाँ पर इसराइली आबाद हैं, जो यहूदी आबाद हैं, उसका मसला इससे हल किया गया कि जब ये मर्ज लिखा गया तो उसमें मैंने बताया कि वहाँ पे ज़्यादा यहूदी बात है, फलस्तीनी कम थे, तो ये किया गया कि 3 एरियाज़ में डिवाइड किया गया वेस्ट बैंक को। गजा की पट्टी पूरी फलस्तीन को मिली, वेस्ट बैंक को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया, 3 हिस्से में उसको तकसीम किया गया। जो एक सदर उसको कहते हैं एरिया ए पर कंट्रोल था, सिर्फ फलस्तीन का कंट्रोल था, फलस्तीन की हुकूमत का, फलस्तीन की जो इंतजामिया सब सिर्फ उसका कंट्रोल है। एरिया बी में कंट्रोल होगा मिक्स, यानी कि इसराइल भी कंट्रोल करेगा और फलस्तीन भी करेगा, मिलकर करेंगे कंट्रोल। एरिया सी बस सिर्फ इसराइल का कंट्रोल होगा, ठीक है जी। ये सब कुछ है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1947 में जो UN ने किया था, उसमें मैं एक चीज़ बताया गया था कि जो 1947 में UN ने किया था ये गिस्टीबोर्ग, उसमें जेरूसलम को उसने किसी के कब्जे में नहीं दिया था, उसने कहा था ये तमाम मजाहब के लिए मुकदस जगह, तो इसलिए ये
किसी की तरफ नहीं, ये इंटरनेशनल सारे लोगों की जगह, क्योंकि ये ईसाइयत के लिए, यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए जो है ना एक मुकदस जगह है, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल कंट्रोल में, लेकिन इसराइल ने इसको नहीं माना था, और इसराइल अभी भी और पहले भी ये इसराइल के कंट्रोल में जेरूसलम रहा है। जेरूसलम में तीन सेक्टर हैं मुख्तलिफ, जो तीन एरियाज हैं, क्वार्टर्स हैं, एक जो यहूदियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, लेकिन सब पे कंट्रोल इसराइल का ही है, ठीक है जी। और जो बाकी वेस्ट बैंक है उसको ऐसे डिवाइड किया, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। वहाँ पे 1994 में पहली हुकूमत कायम हुई फ़िलिस्तीन में, PLO की, और हुकूमत कहते थे PNA, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी। ये पहली हुकूमत 1994 में हुई, टूटे फूके सब कुछ पीसेस मिले थे जिस पे ये हुकूमत कायम की, और गजा की पट्टी मिली थी, ठीक है जी। अब 1994 में उन्होंने मुल्क बना लिया, लेकिन अब आपको पता है जो कट्टर लोग होते हैं वो तो दोनों तरफ होते हैं, उनका तो क्या, वो जो अरबियों कहते हैं, जो फिलिस्तीनियों कहते हैं इसराइलियों को बंद करो, यहूदियों को यहाँ से बंद करो, यहाँ हम पूरा मुल्क अपना बनाएंगे, जो यहूदियों कहते हैं यहाँ से अरबों को बंद करो, ये तो हम सही जगह मारी है, खुदा ने मिली है, यहाँ तो हम बाद होने, यहाँ हम बाद होंगे, इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो ये कुछ हुआ, जब ये हुआ उसके बाद जो यहूदियों की तरफ से रिएक्शन आया वो ये आया कि 1995 में जो उनके प्रेसिडेंट थे और जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, जिन्होंने मर्दा किया था उस लोग, और जो फिलिस्तीन से नरमी दिखाई थी, उनको तस्लीम किया था, उसको एक यहूदी ने जाके सीधा इनके गन से उनको शूट कर दिया, उनको मार दिया वहाँ पे, ठीक है। इस ना 1995 में वो उनको मार दिया गया, और उस टाइम अब मुसलमानों का क्या हुआ, मुसलमानों में यहाँ ही हुआ फिलिस्तीन में कि 1993 में ही हुआ था, तो 1987 में उस तकरीबन 6 साल पहले ओस्लो अकॉर्ड से एक हमास नामी तंजीम बनी थी, जो शुरू में तो वो भी वो थी कि उनका ये था कि हम मसला उठा करेंगे, और उनका शुरू में ये मौकफ था कि हम जो है ना हम चाहते हैं यहाँ सारी यहूदियों को निकालें, यहाँ सिर्फ एक फिलिस्तीन बने, लेकिन उनका मौके दोस्तान में चेंज हो गया, कहते हैं सैल भी हो फिलिस्तीन भी हो, लेकिन उससे पहले बनी थी तब उनका मौके था कि सब हम हमारा कब्जा हो, वो असले के तौर पर हो। अभी भी उनके असले पे भी उनकी एक फ़ौज भी है, छोटी उनकी फ़ौज भी उनकी है, जो वो जो चलाते हैं रॉकेट, जो हमले पट्टे मिलती हैं आजकल के जो हमले कर रहे हैं सैल पर, वो सब ये गजा की पट्टी से ये हमास वाले करते हैं, इनकी इनके पास थोड़ी सी फौज है रॉकेट वाले इनके पास हैं, तो इनके पास, लेकिन इनका पोलिटिकल स्ट्रक्चर भी है, ये इलेक्शन भी लड़ते हैं, इसलिए इनको कुछ मुल्क टेररिस्ट मानते हैं, कुछ नहीं मानते, और कुछ लोग कुछ मुल्क कहते हैं कि जिनका जो एक फौज है वो सिर्फ टेररिस्ट है, बाकी टेररिस्ट नहीं, तो इनको इनके बारे में मुख्तलिफ मौके है लोगों का। तो ये 1987 बनी, तो इसने जब देखा कि हम PLO ये मारे गई, तो इसने PLO को 1983 में कहा ये कि तुम क्यों इतने सेकुलर हो रहे हो, तुम क्यों इतना उनके साथ नरम रवैया दिखा रहे हो, उन्होंने तो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, हम तो सारा ज़मीन वापस लेनी है, तो उन्होंने फिर वो भी शुरू हो गई। इसलिए फिर उन्होंने जब 1996 में दूसरे इलेक्शन हुए, तो उसका उन्होंने हमास ने बायकॉट किया, और सिर्फ बायकॉट नहीं किया, उन्होंने मुख्तलिफ टेररिस्ट अटैक भी शुरू कर दिए, इसराइल में शुरू कर दिए, बॉम्ब में गाने शुरू कर दिए, सुसाइड अटैक्स करना शुरू कर दिए, खुदकुश हमला करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी फिर टेंशन भी बढ़ी। ये सब कुछ था कि 2002 में यही हालात मजीद कशीदा होते गए, जब वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हमारे को मार दिया गया 1995 में, और यहाँ पर जब हमास टूटी 2002 में बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले, और जिसकी वजह से जब सेकंड बैंक थी वेस्ट बैंक में, जहाँ पर यहूदियों को बात किया गया था, कॉलोनीस थी वहाँ पे, फिर उस वक्त भी साइलेंट बनाई थी दीवारें ताकि अपने लोगों को बचा सके, क्योंकि हमास जो था वैसे तो वो गजा में था, लेकिन उसने अपने टैक्स वेस्ट बैंक में शुरू कर दिए थे जहाँ पर कॉलोनीस थी इसराइल की, तो इस यहूदियों पे, जिसकी वजह से इसराइल ने फिर अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर, क्योंकि उनके पूरे शहर बाहर है, वहाँ पर पूरा सिस्टम उनका 6-7 लाख लोग हैं, तो उन्होंने फिर उनके दीवारें बनाई थी लोगों के लिए, और फिलिस्तीनियों को अला किया था, और इसराइली लोगों को अला किया था, और चेक पोस्ट से भी उसी वक्त में मई 2002 में, जब बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए, हमले शुरू कर दिए, हमास ने खुदकुश हमले शुरू कर दिए, तब तभी चेक पोस्ट भी बड़ी जो आप देखते हैं, जब कि जो लोग जाते हैं दिखाते हैं कि वहाँ पर चेक पोस्ट हैं, चेकिंग बहुत होती है, बहुत तंग करते हैं, उसके बाद फिर बहुत सख्त चेकिंग है, उसके बाद जो दीवारें बनी है वे सब उसी दौर में बनी। 2002 में ये हुआ था, 2006 में जो है ना हमास जो इलेक्शन जीत गया, थोड़े से था जीता मार्जिन से, फतह अब कहेंगे PLO था, PLO जो है ना ये मुख्तलिफ पार्टीज को मिला के बनी हुई है, इसके अंदर एक फतह एक इसकी एक इतिहादी पार्टी है, आप कह सकते हैं इसे, वो फतह एक इसकी इतिहादी पार्टी है, वो थी ना जीती, वो वेस्ट बैंक में चीज जीत गई, वेस्ट बैंक में नहीं लेकिन थोड़े से मार्जिन से वो हारी थी इससे हमास से, जिसकी वजह से 2006 में जो है ना जब ये इलेक्शन हमास जीत गई, 2007 में फिर इन दोनों पार्टियों के लोग आमने सामने आए, क्यों, क्योंकि जो PLO यानी जो PLO इसके हामी और फतह के जो लोग थे वो चाहते थे कि हम असलाह उठाएं, हम आराम से बात करें, उनको भी मुल्क दें, अपना मुल्क लें, लेकिन जो यहाँ हमास के लोग थे ये कहते थे कि हम असले के जोर पे उनसे उनको निकालें, सिर्फ हम अपना हमारा यहाँ मुल्क फिलिस्तीन हो, जिसकी वजह से 2007 में बैटल ऑफ गजा यानी कि जो सिविल वार शुरू हो गई थी फिलिस्तीन में, बैटल ऑफ गजा जो दो पार्टियों के लोगों के दरमियान शुरू हो गई थी, यानी कि फिलिस्तीनी आपस में लड़ना शुरू हो गए थे दोनों पार्टियों के आपस में, यानी कि जो PLO के लोग थे वो लड़ना शुरू हो गए, फतह के लोग थे वो लड़ना शुरू हो गए थे
जो हमास के लोग थे उनसे। फिर लेकिन आखिरकार जो गजा की पट्टी पर लड़ाई हुई थी, ये गजा स्ट्रिप पे जहाँ से आजकल वो रॉकेट फायर होते हैं, तो वहाँ पे फिर लड़ाई शुरू हुई थी जो फतह हार गया था। और फिर वहाँ पे आज तक, उस वक्त से लेकर आज तक वहाँ पे सिर्फ हमास का कंट्रोल है, वहाँ पे हमास की हुकूमत है, हमास का कंट्रोल है। और वेस्ट बैंक पे जो है ना वो PLO या फतह का कंट्रोल है आज तक। 2007 में सिविल वार के बाद फलस्तीन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जो गजा की पट्टी थी वो मिल गई थी हमास के कंट्रोल में आ गई, जिसको हमास ने अपना एक किला बनाया समझें, जहाँ से वो हमले करता है सर्वे, जहाँ से वो सब कुछ करता है, यानी कि उसकी पूरी प्रॉपर फौज है, जो मुनज़म फौज है। उसने मौकफ़ चेंज किया था रास्ता में, उसने वो थोड़ा नरम हुआ, उसने मौकफ़ में लाई तब्दीली, उसने कहा हम इस सर्वे को तस्लीम करते हैं, साहिल भी जो होगा होगा सारा फलस्तीन भी हो, और किस नक्शे पे हो जो 1967 में था उस नक्शे पे वापस लिबास हो, ठीक है, तो हमें अपना मुल्क दिया जाए, वो भी अपना मुल्क लें। अब वो इस बात पे उनका ये मौकफ़ थोड़ा नरम हुआ, पहले वो कहते थे कि उनको निकाल दें यहाँ से, ठीक है जी। तो अब फलस्तीन जो है ना, फलस्तीन वो डिवाइड हो गया था ना 2007 में, जो गजा की पट्टी है वो हमास के पास चली गई, PLO का आज तक कंट्रोल है वहाँ पे वेस्ट बैंक पे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आज तक हालात हैं। आप भी अभी भी जो होता है ये होता है कि वेस्ट बैंक में जो है ना, वहाँ पे आपको इतनी खबरें नहीं मिलेंगी कि वहाँ पे कोई हमले हो गए, या फिर आप वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो गई है, वहाँ पे कोई लोगों ने मारा। जो मेनली चीज़ होती है वो होती है जो डॉक्टर मेनली फाइल कहते हैं, इसराइल की फौज तो कभी कभी वेस्ट बैंक में भी कुछ करती है, गलत चीज़ें करती है, मारती है, लेकिन जो मेन हमले होते हैं फलस्तीनियों की तरफ से इसराइल पे, वो होते हैं वेस्ट, जो गजा की पट्टी है हमास करती है, क्योंकि हमास को पिछले सपोर्ट भी ईरान वगैरह की, वो लोगों से सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से वही लोग सिर्फ इलाके उनके पास वो जो मारते हैं, कुछ कुछ शायद नहीं आते वो इसराइल के जो लोग जो राकेट होते हैं वो किसी को वो कहते हैं तो जाके अटैक नहीं करते, क्योंकि उनका आयरन डोम सिस्टम बहुत फिट है, जो डिफेंस का सिस्टम है उनका आयरन डोम, वो उनको नेसवाली मार देता है हवा में, लेकिन वो जो जो भी रॉकेट मारते हैं हवा में कम से कम वो जो होते हैं वो सिर्फ गजा की पट्टी से हमास वाले मारते हैं, ठीक है। बाकी जो वेस्ट बैंक में जो वहाँ पर इतनी कशीदगी नहीं होती, वहाँ जो वहाँ से रिपोर्टें भी इतनी नहीं आती, वहाँ पर सिर्फ इसराइल की फौज कभी कभी पंगे करती है। और बाकी जो ये जो मैंने आपको बताया ना कि जो सेकंड बैंक से वहाँ पर जो अपनी कलोनीज अपने शायद बात की, इसको सिर्फ ये नहीं है कि इसराइल ने जो बात करी तो किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, इसको बाबा यूएन ने भी, बाकी जितनी भी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है सब ने कहा कि इलीगल है, ये यूएन की जो 1947 की करदाद उसके खिलाफ है, उन्होंने ये मैप नहीं दिया था, इन्होंने खुद आके बात की है, ये सब इलीगल है, इसको सब ने इलीगल करा दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए कि जो इसराइल ने बात की है वो इलीगल है, उसको सब इलीगल मानते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको हालात बयान कर दी 1980 से लेकर अभी तक जो मौजूदा हालात हैं, बस अभी ये होता है कि इसराइल कभी मामला करते हैं, बस जैसलमेर में कभी थोड़ा करता पंगे तो बस हमास वहाँ से क्या करते हैं, फिर हमास को मारते हैं, ये बस आजकल जो है ना फलस्तीन और इसराइल का ये इशू चल रहा है। और जाते हैं हम अपनी और आबादियाँ और करें सेकंड बैंक से बनाएं यहाँ पे, और बना भी हैं वेस्ट बैंक में, और बंदे को वहाँ लेके जाएँ ताकि हमारे से वो एरिया भी बीच में ले लें, इसराइल ना लें उसको। अब जो मैंने पूरी कहानी आपको बयान किया, पार्ट वन ने नहीं देखा वो देख लें, और पार्ट टू में सब कुछ मैंने बयान किया है। अब इसका जो निकलना है कंक्लूजन वो निकालना है कि अब ठीक है जी, सब कुछ हो गया, जो हो रहा है वो भी अब इसका हल क्या निकलेगा, इसका हल क्या, कोई दुनिया ने आज तक इसको हल दिया है? 70 साल हो गए हैं, कोई ना कोई हल किसी ने दिया होगा, या ये हल निकालो ये हल निकालो, कोई ना कोई इसका हल क्या निकाल सकते हैं। और मेरी नज़र में इसका हल बेहतर क्या, जो दुनिया में 4 हल पेश किए गए हैं, 0 स्टेट सोल्यूशन, 1 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन और 3 स्टेट सोल्यूशन, ये क्या है, ये सब कुछ जो उसके सोल्यूशंस हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में जो उसका पार्ट 3 बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि क्या हल पेश किए गए और कौन सा बेहतर है सब में से। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है, या आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गया वो अच्छी लगी है, तो आप इसको मजीद लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो है ना इन्फॉर्मेशन मजीद लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ मिल सके, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसके अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।